बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। नहीं इधर रख, इधर जाफे। हेलो, मोस्ट वेलकम डॉग्स टीआरएन फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉग्स टीआरएन में। और आज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं मिस्टर शिवम, उनका कमेंट आया था कि गाड़ी पर डॉग क्यों बार्किंग करते हैं, क्यों भौंकते हैं डॉग, तो इस पर कोई वीडियो बनाइए। तो उनके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाया और आप सभी जान सकते हैं कि क्यों डॉग आखिर में गाड़ी पर बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये टफी मेरा बेस्ट स्टूडेंट है और काफ़ी मैं 3 मंथ से इसको डॉग ट्रेनिंग दे रहा हूँ होम विजिट की। एक्चुअल में क्या है कि ये एग्रेसिव हो गया, बार्किंग करने लग गया, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और उसका रीज़न था टाइफाइड, जिसको डॉग की बीमारी में टिक फीवर बोला जाता है, तो इसको टिक फीवर भी हो गया था। तो आपसे इससे पहले कि आप एक वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है मेरा और ये ट्रेनिंग सेंटर में अभी आया हुआ है, 1 मंथ इसको होने वाला है और एग्रेसिव प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, लेकिन इसका टिक फीवर हो गया है ठीक, और अभी भी डेली इसको वैक्सीन होती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसको। तो टॉपिक था आज का कि गाड़ी पे बार्किंग क्यों करते हैं। बार्किंग करने का एक ही रीज़न होता है फ्रेंड के, मतलब कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपने बचपन से ही अपने घर में डॉग पाल रखा है और उसको आप टॉयलेट पोटी का केबल टेरिस्ट पे करा देते हैं, या आपने उसको आपने उसको ट्रेनिंग दे रखी है कि हाँ टॉयलेट में जाके टॉयलेट करेगा या बाथरूम में जाके बाथरूम करेगा, तो उसमें हैबिट पड़ जाती है, तो फिर आप भी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कराना भूल जाते हैं। एक्चुअल में आपको बच्चे को कम से कम 6 मंथ के बाद में बाहर ले जाना चाहिए, शाम तक उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद में 4 टाइम या 5 टाइम घुमाना शुरू कर दें, गाड़ी के पास में ले जाना शुरू कर दें और भीड़ में भी ले जाना शुरू कर दें। तो जैसे कि आपको मैंने टफी का दिखा रखा है, मैं काफ़ी इसको भीड़ में ले जाता हूँ और जब जहाँ पर मंडी है, सब्जी मंडी है यहाँ आसपास में, तो वहाँ ले जाता हूँ जहाँ पर भीड़ होती है, मार्केट में ले जाने की कोशिश करता हूँ या मैं इसको पुल पे चढ़ा देता हूँ। तो अभी इसकी रनिंग चल रही है और दिन में कम से कम मैं 4 टाइम इसको मतलब इंजॉय कराता हूँ, घुमाना फिराना मस्ती। फिर यहाँ पर भी ये सेंटर का टेरिस्ट है तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर काफ़ी आराम से मस्ती कर सकता है मेरा टफी जो है, और मैं इसको अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट समझता हूँ। 3 मंथ से मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ बट इसकी माइंड प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा टिक फीवर की वजह से भी हो सकता है वो रीज़न जो एग्रेसिव का हुआ है, और दूसरा मैटिंग का भी हो सकता है, अदरवाइज हम इसको क्रॉसिंग कराते हैं तो हो भी सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन अभी प्रैक्टिस जारी है। अभी और सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि मैं इसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से जो यहाँ पर आते हैं, जो मेरे मतलब फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, और जिसमें से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिस्टर देव हैं जो कि डॉग हैंडलर हैं और काफ़ी अच्छी हैंडलिंग कर रखी है इन्होंने टफी की। देखिए ये टफी है और दिल्ली से आया हुआ है यहाँ पर डॉग ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो फ्रेंड्स, आप टॉपिक पर आते हैं उसके लिए सॉरी, टॉपिक यही था कि आप पहला तो आप घर से घुमाना शुरू कर दें, मतलब घर से बाहर ले जाना शुरू कर दें, भीड़ में ले जाना शुरू कर दें, फिर भी वो गाड़ी पे बार्किंग करता है, तो आप एक अपनी पर्सनल गाड़ी ले सकते हैं, पर्सनल गाड़ी लेकर उसको ट्राई करा सकते हैं। जैसे ही वो भौंकता है तो उसको लीश पकड़ के आपको खींचनी है और उसको बोलना है नो बैड हैबिट, नॉट स्पीक, नॉट बार्किंग, जो भी आपके डॉग का पेट नेम है, तो इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं। तीसरा रीज़न होता है कि किसी किसी डॉग के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार्किंग की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है स्मेलिंग प्रॉब्लम से, कि अदरवाइज आपका डॉग घूमता है तो एरिया बनाना शुरू कर देता है, खंबे पे टॉयलेट करना और गंदगी में मुंह मारना, और उसके बाद में क्या है कि जगह जगह टॉयलेट करेगा, वो गाड़ी पे भी टॉयलेट कर सकता है, बाइक पे भी कर सकता है और कार पे भी कर सकता है, उनको नहीं पता है गाड़ी क्या है, उनको केवल गाड़ी से मतलब होता है। तो जब वो गाड़ी जाती है एक जगह से टॉयलेट करके दूसरी जगह पर गाड़ी खड़ी होती है तो वहां पर भी डॉग स्मेल करते हैं और स्मेल करने की वजह से वो उस टॉयलेट की गंध को बार्किंग करते हैं,
उसको भौंकते हैं उसके ऊपर, ना कि आपके ऊपर या गाड़ी को भौंकते हैं। कभी भी आप गाड़ी को अगर पार्किंग करता है तो आप गाड़ी मतलब बिल्कुल धीमे गति से आप उसमें वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, डॉग के पास में ही खड़ी कर दो। कभी भी भौंकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पार्किंग कर रहा है, पीछे पीछे आपके आ रहा है पार्किंग करता हुआ, तो उस टाइम पर आप गाड़ी को बिल्कुल बंद करके बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आप 5-10 मिनट वहाँ पर खड़े रहिए, डॉग से कुछ मत बोलिए। वो डेफिनेट आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो दोबारा पार्किंग नहीं करेगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही हमेशा डॉग के बारे में हेल्प करता रहूँगा। और आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं मुझे, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने का, आपके कमेंट का वीडियो के थ्रू रिप्लाई देने का, तो उसके लिए सॉरी। क्यों हो गया मिली टपी को? ये मेरा बहुत क्यूट बच्चा है और इसको मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगा, तो मैंने मन्नू भैया को भी बोला था कि मन्नू भैया अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने रात दिन इसकी कोशिश करी, मेहनत की, तो आज को ये बिल्कुल फिट फोर है, जैसा आया था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।